मध्य प्रदेश के नए ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, ग्रामीण विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की स्पष्ट नीतियां हैं। पटेल ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए ग्रामीण स्तर पर भी डिजिटलाइजेशन की बात कही। ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, पार्टी नेतृत्व का आभार कि मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा, ग्रामीण विकास को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां एकदम स्पष्ट हैं, क्रियान्वयन को लेकर हो सकता है कुछ बदलाव करना पड़े। उन्होंने कहा, श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई बेहतरीन निर्णय किए गए हैं, नीतियों का एमपी में भी प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन हो इस तरफ ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ग्रामीण स्तर पर भी डिजिटलाइजेशन होना बहुत आवश्यक है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अध्यक्ष में आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन देता हूँ अपने केंद्रीय नेतृत्व का भी। मंत्रिपरिषद में विभागों के बंटवारों में मुझे ग्रामीण विकास और श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी है। मेरा राजनीतिक जीवन जिंदगी निकट से देखा है, इन क्षेत्रों में मुझे जिंदगी भर मैंने काम किया है। मुझे लगता है कि राज्य के एक एक वो यूनिट जो ग्राम पंचायत से शुरू होता है और हमारे सर्वांगीण विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो ग्रामीण विकास से मुझे काम करने का मौका मिलेगा। दूसरा, श्रम मंत्रालय में मैंने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में 4 साल काम किया है राष्ट्रीय स्तर पर। तो जो हम लोगों ने एक चार्टर बनाया था, जिसमें एक उदाहरण के लिए एक नाम आपको कहूंगा कि उसके पहले 2014 के पहले किसी भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर को उसका पीएफ कभी उसको वापस नहीं मिलता था। और ग्रामीण विकास, क्योंकि मैं इस कमेटी में भारत सरकार की 5 साल रहा हूं, तो वहां समीक्षा करने का अधिकार होता है, समीक्षा करते हैं, कमियां हम देखते हैं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट राज्य देता है। तो पहली बार मुझे ये फर्क है, तभी तक तो मैं निगरानी वाले पक्ष में था, अब एग्जीक्यूशन वाले पक्ष में हूं। तो रोजगार की बातें भारत सरकार ने तय की है और ग्रामीण परिवेश के रोजगार की गारंटी की जो परिस्थितियां हैं उसमें और हमारी इस प्रश्न में बहुत अंतर है। हमें दोनों को मिलाकर तालमेल के साथ आगे चलना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।